क्या आपने कभी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का असली चेहरा देखा है या फिर कभी वो खंजर देखा है जो तात्या टोपे इस्तेमाल करते थे? नहीं ना, तो आज हम आपको ऐसे संग्रहालय के बारे में बताते हैं जहां आपको अनोखी चीजें देखने को मिलेंगी। कानपुर का बिछोर एक पौराणिक स्थल होने के साथ साथ अपने अंदर इतिहास को भी संजोए हुए है। यहाँ मौजूद नाना राव स्मारक स्थल पार्क के अंदर मौजूद है एक अनोखा संग्रहालय। यहाँ पर सैकड़ों वर्ष पुरानी नायब वस्तुएं देखने को मिल जाती हैं। आपने अभी तक झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को टीवी सीरियल या फोटो में देखा होगा, लेकिन यहाँ मौजूद है लक्ष्मीबाई की असली फोटो जिसे एक अंग्रेज ने बनाया था। यहाँ बनाए गए संग्रहालय ने इन वीर सुपूतों के शस्त्र, तस्वीरें व साहित्य आज भी मौजूद है। यहाँ पर 1857 क्रांति के समय के अस्त्र शस्त्र भी रखे हुए हैं, जो इस संग्रहालय के मुख्य आकर्षण का केंद्र है, जिन्हें देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। इसके साथ ही यहाँ वो खंजर भी मौजूद हैं, जिससे तात्या टोपे अपने दुश्मनों का संहार करते थे। कानपुर से चलने वाली पहली ट्रेन में लगे पंखे भी इस संग्रहालय की शोभा बढ़ा रहे हैं। कुषाण काल में कैसे कैसे राजा बदले और उन्होंने अपने अपने मुद्रा चलाई, वो सब सिक्के भी यहाँ देखने को मिले जाते हैं। यहाँ पर अंग्रेजों की तलवारों के साथ क्रांतिकारियों की तोप भी मौजूद है। महात्मा गांधी पर जारी डाक टिकट इसकी शोभा बढ़ा रही है। अंग्रेज जिससे संगीत सुनते थे वो ग्रामोफोन भी यहाँ मौजूद है। संग्रहालय सुबह हफ्ते के 6 दिन खुलता है और सोमवार को बंद रहता है। बिठूर के नाना राव पेशवा स्मारक में कानपुर संग्रहालय 2005 में स्थापित हुआ। अंग्रेजों व स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के संघर्ष की गाथा सुनाने वाला इस संग्रहालय को लगातार विकसित किया जा रहा है। बिठूर की यह वीर भूमि वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की याद भी दिलाती है। यहीं पर लक्ष्मीबाई का बचपन बीता था। लक्ष्मीबाई ने तात्या टोपे के साथ तलवार चलाना सीखा और घुड़सवारी भी सीखी थी।